हे गाइस, व्हाट इज़ अप, कैसे हो सारे के सारे। वेलकम बैक अगेन टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये वीडियो में बेसिकली तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस थे उसको आंसर करने के लिए बना रहा हूँ कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, या वीडियो कब डालूंगा, या जो भी चीज़ें वो मैं अभी डिस्कस करूँगा तो तुम देख सकते हो। और मैं तुमको स्क्रीन पर अभी टाइम स्टैम्प्स भी दिखा दूंगा, तो तुमको जिस भी टाइम स्टैम्प पर जो टॉपिक देखना हो तुम सीधे, मतलब उसके पहले की बकवास क्यों सुनोगे। तो टाइम स्टैम्प स्क्रीन पे दिखा दूंगा तो तुम डायरेक्टली उस पे जा सकते हो। तो चलो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं अपलोड क्यों नहीं कर रहा था। तो इसके दो दो या तीन रीज़न हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कि जो मेरा ग्राफिक कार्ड था पीसी का, वो ख़राब हो गया था। उसमें पता नहीं क्या दिक्कत थी, मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा था मॉनिटर पे। तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए भेजा, क्योंकि वारंटी पीरियड में था वो। तो बिना ग्राफिक कार्ड के तुमको पता ही होगा पीसी में डिस्प्ले नहीं आता है, अगर मतलब तुम्हारे प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं हो तो बिना ग्राफिक कार्ड के मतलब डिस्प्ले नहीं आएगा तो मैं क्या ही करूँगा, वीडियो बना नहीं सकता मैं, ना स्ट्रीम कर सकता हूँ। तो उसको रिप्लेस होने में मतलब 1 महीना या उससे भी ज़्यादा लग गया था। तो 1 महीने तक तो मेरे पास पीसी ही नहीं था, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, ना रिकॉर्ड ना स्ट्रीम कर सकता था। तो पहला रीज़न तो ये था कि मैं अपलोड क्यों नहीं कर रहा था। और दूसरी कि जब ग्राफिक कार्ड आ गया मेरे घर पर, उसके बाद भी मेरे घर पर मतलब थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उस वक्त मतलब बहुत, तुमको पता ही होगा कंस्ट्रक्शन में आवाज़ होती है, मतलब रूम बन रहा था बेसिकली, तो मतलब बहुत आवाज़ होती है, बहुत सारे लोग काम करने आते हैं। तो उस वक्त भी मैं स्ट्रीम नहीं कर सकता था, कम से कम 1 महीने वो भी चल रहा था। और उसके बाद अभी जब मतलब अक्टूबर चालू हुआ तो मेरी एग्ज़ाम आ गई थी, मतलब मिड टर्म की एग्ज़ाम है जो 12th की, मतलब अभी टर्म 1 से पहले होती है। अभी 2 बार बोर्ड एग्जाम होती है, तुमको पता ही होगा जो 12th में होंगे। तो टर्म 1 से पहले एक मिड टर्म एग्जाम होती है, तो वो एग्ज़ाम थी मेरी, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो हाँ, यही 3 चीज़ थी कि एक तो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था 1 महीने तक, अभी भी मतलब थोड़ा सा बचा है, पर अभी सिर्फ पेंट का ही बचा है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ग्राफिक कार्ड का इशू सबसे बड़ी चीज़ कि पीसी ही नहीं था मेरे पास, तो मैं वीडियो ही नहीं बना सकता था। मतलब पीसी था, ग्राफिक कार्ड नहीं था। और तीसरा कि मेरी एग्ज़ाम्स थी, तो अभी एग्ज़ाम्स हो गई हैं और अभी 1 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स है, तो उसकी भी तैयारी करनी है मेरे को। तो वही रीज़न था कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। तो गाइज, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तुमने अगर अभी देखा होगा मेरा चैनल तो तुमको पता होगा कि मैंने सारी लाइव स्ट्रीम्स को प्राइवेट कर दिया है और कुछ वीडियोस को भी कर दिया है। तो उसका रीज़न ये है कि जो लाइव स्ट्रीम्स थी मतलब उनमें मैं सॉन्ग यूज़ करता था और वो कॉपीराइट फ्री नहीं थे ऑब्वियसली, ठीक है। तो उन सब पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है। एंड एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारी स्ट्रीम पे मतलब नंबर भी लीक हो गया था, मतलब ऊपर मैसेज आता है ना तो उसमें दिख गया था, तो वो भी मैंने प्राइवेट कर दिया स्ट्रीम्स अभी। तो जो भी स्ट्रीम्स होगी उनको मैं नंबर वगैरह ब्लर करके पब्लिक कर दूंगा, और कॉपीराइट क्लेम्स का जो भी सॉन्ग होगा उसको हटा के मैं मतलब एक एक करके पब्लिक करते जाऊंगा। तो यही चीज़ है कि मतलब लगभग सारी स्ट्रीम्स पे कॉपीराइट क्लेम है, तो वो ही देखना पड़ेगा बस। और बहुत सारी स्ट्रीम्स पे मेरा नंबर भी दिख गया है, तो वो भी ब्लर करना है। तो ये रीज़न है कि मैंने स्ट्रीम्स और वीडियोस प्राइवेट, क्योंकि वीडियोस पे नंबर का सीन नहीं है, वीडियोस तो एडिट करते हैं हम, तो वीडियोस में बस ये है कि कॉपीराइट क्लेम है तो उसको हटाना है। तो यही थी सबसे ज़रूरी अपडेट जो मेरे को तुमको बतानी थी। एंड नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। तो गाइस, अभी बात कर लेते हैं कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो कब डालूंगा, या नेक्स्ट स्ट्रीम कब करूंगा, या करूंगा अभी कि नहीं। तो अभी गाइस एक नेक्स्ट वीडियो तो जल्दी आने वाली है, मतलब इस हफ्ते आ जाएगी। वो मैंने बहुत पहले प्रॉमिस किया था, शायद 1 साल हो गया होगा बट मैं वो वीडियो बना नहीं पाया था। उसकी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, तो तुम देख सकते हो, अगर तुम बहुत नीचे नीचे जाओगे कम्युनिटी पोस्ट में। तो वो वीडियो मैंने बहुत पहले प्रॉमिस किया था बट वो मैं नहीं बना पाया। तुम अभी बनाऊंगा मैं और इस हफ्ते डाल दूंगा, मतलब बहुत ही पुराना वीडियो है, ठीक है। तो एक वीडियो तो ये आने वाला है अभी, मतलब ये वीडियो जब तुम देख रहे हो अभी ये वाला, उसके 3 या 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं स्ट्रीम्स की। तो स्ट्रीम्स का गाइस मैं सोच रहा हूँ कि 1 हफ्ते में 1 या 2 स्ट्रीम कर लूँगा मैं, सैटरडे और संडे को, जो भी तुमको ठीक लगे वो तुम बता देना। और एक वीडियो की सोच रहा हूँ कि मैं स्ट्रीम के साथ साथ हर हफ्ते एक वीडियो भी डाल दूँ। वो वीडियो कुछ भी हो सकता है, वो गेम प्ले वीडियो भी हो सकता है, या फिर गेम प्ले पे कमेंट्री भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली कुछ भी हो सकता है। तो वो मैं सोच रहा हूँ
के एक तो इस हफ्ते अपनी स्ट्रीम हो जाएगी और एक मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि क्योंकि मेरे अभी 12th के एग्जाम्स भी हैं तो मैं रेगुलरली तो नहीं कर सकता, बट हाँ अभी फिलहाल ये प्लान है। तो नेक्स्ट चीज़ है गाइस कि मैंने मतलब चैनल से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं, तो वो मैं तुमको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो कि जो चैनल मेंबरशिप है वो मैंने सारे डिसेबल कर दिए, सिर्फ 29 रुपीज़ वाली ऑन है, बिकॉज अभी मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, तो उससे ऊपर के जो भी लेवल्स थी उनमें जो भी पर्क्स थी वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि मैं स्ट्रीम ही नहीं कर रहा हूँ। तो अभी जो बेसिक होती है मेंबरशिप 29 रुपीज़ वाली ऑन है, उसको तुम ले सकते हो, और बाकी सारे मैंने ऑफ कर दिए ऑब्वियसली, क्योंकि मैं स्ट्रीम ही नहीं कर रहा बेसिकली, तो तुम भी क्यों ही लोगे, तो मैं मैंने डिसेबल ही कर दी। और दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी थी गाइस, पहले मेरी मतलब पर्सनल आईडी जो थी ठीक है, और पब्लिक आईडी जो थी वो मैंने एक ही में मतलब कर रखा था, एक ही आईडी थी बेसिकली। मैंने तो मैं अभी सोचा कि एक नहीं रखते भाई, उससे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो मैंने जो वो आईडी थी उसको डिलीट करके न्यू बना ली पर्सनल, और जो पब्लिक आईडी है वो उसका यूज़र नेम मैं तुमको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो उसको तुम फॉलो कर लेना। और हाँ मतलब बस ये इंस्टाग्राम का ही चेंज किया, बाकी डिस्कॉर्ड ट्विटर तो सेम है ठीक है। तुमको सबके यूज़र नेम मैं दिखा दूंगा, और डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी सही, तो वहाँ से तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बस इंस्टाग्राम ही चेंज किया बेसिकली, बाकी सब सेम है ठीक है। और हाँ बस यही था जो मैंने चेंज किया है, और दूसरे चैनल के बारे में तो तुमको पता ही होगा, बाकी उस पर वीडियोस बहुत कम आते हैं अभी, तो देख सकते हो तुम जिसने नहीं देखा, और जिसने देख लिया भाई बहुत अच्छी बात है। बस यही थी अपडेट चैनल से रिलेटेड, तो तो चलो गाइज बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रीम और नेक्स्ट वीडियो में जो भी होता है पहले, तो एनीवेज बाय बाय, टेक केयर।